लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में देवनानी ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सिर्फ अपने वैभव को बचाने में लगे हुए हैं और प्रदेश की जनता परेशानी झेल रही है, और कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जनता से झूठे वायदे करके सत्ता में आई थी और इस बार लोकसभा चुनाव में फिर जनता से झूठे वादे कर रही है जो कभी भी पूरे नहीं होंगे। और कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला ने घोषणा पत्र को देवनानी ने झूठा पत्र कहा है।